सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस घंटी को दबा दो। तो दोस्तों आज हम फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। तो आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली खबर की ओर बात करते हैं तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका। देश की जनता के सामने आखिरकार बीजेपी झुकी गई। बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि इस कानून के तहत अब मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाएगी। बीजेपी के सांसद रामविलास आठवाले ने इसकी जानकारी जो है जनता को दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों से विचार मांगे हैं और फिर इसके तहत ही, उनके विचारों के तहत ही नागरिकता संशोधन कानून में संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। और जिस तरह से जो कमी इस कानून में रह गई थी मुसलमानों को लेकर, उनकी जो है खामियां भी दूर की जाएंगी और उनको भी नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान किया है बीजेपी की तरफ से। अब लोग क्या सुझाव भेजते हैं और उसके बाद क्या संशोधन और क्या बदलाव करती है बीजेपी, वो हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि मुसलमानों को भी नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि मुसलमानों को ही सिर्फ इस कानून में छोड़ा गया था, जिसके बाद देश में किस तरह से इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अगली खबर की ओर बात करते हैं तो नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC के खिलाफ बीजेपी को महाराष्ट्र से बड़ा झटका। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अखाड़ी ने महाराष्ट्र बंद करने की घोषणा की है। वहीं मैं आपको बता दूं, पहले भी कई प्रदेशों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब वंचित यानी दलित समुदाय किस तरह से सामने निकल कर आया है और नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी कहा है कि हम इस पर जो है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पास करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे ही सारे प्रदेश नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं तो मोदी सरकार इस कानून को वापस लेगी। तो किस तरह से हमारे दलित जो समुदाय है वो नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है इसको लेकर। अगली खबर की ओर बात करते हैं तो बीजेपी शाहीन बाग से डर गई और शाहीन बाग में आज बीजेपी सरकार ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा और जिसके तहत पुलिस आज शाहीन बाग पहुंची और 7 लोगों को थाने ले गई। इससे नाराज प्रदर्शनकारी थाने पहुंचे और गिरफ्तारी से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है और जुमे की नमाज के बाद से ही आज स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वही प्रदर्शन स्थल यानी शाहीन बाग में कुल 5 लंगर चलते थे, जिनके संचालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें किसी गुप्त जगह पर ले गई है और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दे रही है पुलिस के उन्हें कहां ले जाया गया है। वहीं पुलिस ने लंगर के तंबू को भी हटा दिया है और सड़कों पर लगी दुकानों को भी हटाने की लोगों को चेतावनी दी है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी जबरन पूरे इलाके की दुकानों को बंद करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रदर्शनकारी शाहीन बाग से सटे दूसरे इलाकों की दुकानों को बंद कराकर थाने को घेराव कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी मान रहे हैं कि रात में उनकी बिजली भी काटी जा सकती है, जिसके बाद यहां जनरेटर का इंतजाम किया जा रहा है। तो अब देखिएगा किस तरह से जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो अब बीजेपी उनको शांतिपूर्ण ढंग से भी प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। तो किस तरह से एक प्रकार की तानाशाही अब देश में हो गई है बीजेपी के द्वारा। तो देखिएगा लंगर जो लोग चलाते थे शाहीन बाग में, उनको किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया आज और उन्हें ऐसी गुप्त जगह पर ले गई और किसी को भी ये नहीं बता रही है दिल्ली पुलिस के उन्हें कहां ले जाया गया है, जिससे जो शाहीन बाग में लोग CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जो है आज देश को बता दिया कि अब बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत ही कर रही है और कुछ नहीं है। कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी अब क्यों मोदी सरकार पुलिस के द्वारा पिटवा रही है, गिरफ्तार करवा रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगली खबर की ओर बात करते हैं जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा करने के लिए मायावती की पार्टी बसपा की एंट्री हो चुकी है। मायावती की पार्टी बसपा ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं मैं आपको बता दूं, बसपा ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में दलित समुदाय की आबादी 25 लाख है और यहां इनका 12 सीट आरक्षित भी है। वहीं मैं आपको बता दूं,
दर्जनों सीटों पर दलित समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, आबादी है, जिस पर दलित समुदाय का दबदबा रहता है। अब इसी को लेकर जो है मायावती जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने 70 कैंडिडेटों को दिल्ली में उतार दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो है काफ़ी बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि दलित समुदाय के लोग जो हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं, अधिकतर कम ही लोग जो हैं बीजेपी को वोट देते हैं, जिसके बाद अगर जो है मायावती जी की पार्टी की वो खड़ी होगी तो वो वोट काटेगी, चाहे जीते या नहीं जीते, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी को यहाँ सीधे सीधे फायदा होगा। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए मायावती जी की पार्टी बसपा अब मैदान में उतरी है, दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ेगी। अगली खबर की ओर बात करते हैं। मोदी की देश में ही नहीं अब विदेशों में भी बेइज्जती की जाने लगी है। टाइम मैगजीन के बाद ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री की खुलेआम बेइज्जती की है और उन पर अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर हिंदूवादी बताते हुए लिखा गया है कि वे सहिष्णु समाज वाले भारत को उग्र राष्ट्रवाद से भरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि मोदी कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं उन्होंने इस पर तीखे लेख भी लिखे हैं जो मोदी सरकार की नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर आलोचना करता है। इसके अलावा इनमें आर्थिक सुधारों को लागू न करने के लिए और मंदी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। अगली खबर की ओर बात करते हैं तो CAA को लेकर बीजेपी नेता ने PM नरेंद्र मोदी को कहा कि वो दूसरे विभाजन की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का नाम लिए बगैर ही चंद्र कुमार बोस ने कहा कि राष्ट्र दूसरे विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। उनका ये बयान उस समय सामने आया है जब नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। समाचार एजेंसी INS ने बीजेपी नेता चंद्र कुमार बोस के हवाले से कहा कि देश बिखर रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं किस तरह से मोदी सरकार ने इस कानून को लाकर देश में टू नेशन थ्योरी अपनाई है और एक मुस्लिम समुदाय को सिर्फ अलग कर जो है देश को बांटने का काम कर रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद के पोते ने कहा है कि देश दूसरे विभाजन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन नेता होने के साथ साथ उन्होंने किस तरह से जो है इस बिल की सच्चाई बताई है। अगली खबर की ओर बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई और उनमें कहा गया था कि ये असंवैधानिक कदम है मोदी सरकार का और ये जो है जिस तरह से कश्मीर और भारत के बीच समझौता हुआ था उसके भी खिलाफ है, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोदी सरकार से जवाब मांगा और मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब इस कानून को वापस लेना मुमकिन नहीं है। ये मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि अब फैसला वापस लेना मुमकिन नहीं है, हम इस फैसले को अब वापस नहीं ले सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि CAA पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और फिर देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन अनुच्छेद 370 पर जो है केंद्र ने साफ कह दिया है कि इसको फैसले को हम वापस नहीं ले सकते, ये मुमकिन नहीं है। वहीं अब इस मामले को 5 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है, अब इस पर फिर से सुनवाई होगी और देखते हैं क्या फैसला आता है, क्यों क्या फिर से पूर्ण राज्य बनेगा जम्मू कश्मीर या फिर केंद्र शासित प्रदेश ही रह जाएगा। अगली खबर की ओर बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत की मिसाल को जिंदा रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कश्मीरी पंडित महिला का अंतिम संस्कार करवाया। लोगों ने अर्थी को कंधा दिया और संदेश दिया कि मोदी और योगी कितनी भी देश में नफरत फैला लें, लेकिन हम अपने भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं आपको बता दूं, बंदीपुरा ज़िले के अजर इलाके में रहने वाली बुजुर्ग जय किशोरी भट्ट का आज देहांत हो गया।
इसकी सूचना मिलने के बाद उनके परिवार की मदद के लिए आसपास के मुस्लिम पड़ोसी घर के लोग पहुंचे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार करवाने में परिवार की मदद की और मिसाल कायम की कि मुसलमान किसी भी हिंदू विरोधी नहीं है और वो इस देश में अमन चाहता है, शांति चाहता है और भाईचारे से इस देश में रहना चाहता है। लेकिन बीजेपी हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती आ रही है और नागरिकता संशोधन जैसे काले कानून को लेकर आकर जो है देश में विभेद पैदा कर रही है और कट्टरवाद को जो है बढ़ावा दे रही है।